भगवान भृगु जी भी सुना रहे राजा सोमकांत को, हे राजा सोमकांत, मुकंदा नाम की स्त्री जिसने घृत समद नाम के पुत्र को जन्म दिया, बहुत तेजस्वी और बलवान बालक, देवताओं की सभा में घृत समद को जाने का अवसर मिला, वहां शास्त्रार्थ हो रहा था तो घृत समद बीच में जब शास्त्रार्थ में बोल पड़ा तो देवताओं ने उसका विरोध किया और उस विरोध के कारण देवताओं ने उसके जन्म के ऊपर संशय खड़ा कर दिया कि तू शास्त्रार्थ में शास्त्रों के ऊपर तू हमें बार बार टोक रहा है, रोक रहा है, तेरा तो अधिकार ही नहीं है इस सभा में आने का, क्योंकि तुझको तो ये ही नहीं पता कि तू कौन से वर्ण में है। तो ये अपनी मां के पास गया और इसने पूछा कि मेरे पिता कौन है। दरअसल में कथा में ऐसा कहा है कि जो मुकंदा नाम की महिला है वो कुछ अच्छी नहीं थी, विचारों की, कर्मों की, जैसे अहिल्या जी के साथ में छल कपट हो गया था ऐसे ही मुकंदा के साथ भी हुआ और उसके ही वंश अंश से बालक का जन्म हुआ, घृत समद का। इस बालक ने जब अपनी मां से पूछा तो मां ने कहा, पुत्र ये पूछने जैसी बात तो नहीं है, तू पूछ रहा है कि मेरा पिता कौन है, तो हे पुत्र, जिस पिता से तू पैदा हुआ है वही तेरा पिता है, इसमें पूछना क्या है। जब मां ने गोलमोल जवाब दिया तो पुत्र समझ गया कि मेरी मां ने गलत काम किया है और उसने जब गलत काम किया ये क्रोध उसे आया तो अपनी मां को ही उसने श्राप दे दिया कि तू गंडकी हो जा। जब माता को श्राप दिया तो मां परेशान होकर के बालक को कहने लगी, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, अरे पापी, अपनी जननी को तूने श्राप दे दिया, तू पुत्र के लायक नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा रो रहा है, मैं तुझे हृदय से, अपने हृदय से निकालते हुए मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तेरे घर में तेरे अंश से एक महाबली बालक पैदा होगा और वो बालक तेरा सारे संसार में अपयश फैला देगा, तुझे यश नहीं मिलेगा, मेरी कोख से तू पैदा हुआ है और तुझे पैदा करके मैंने जो पाप कमा लिया है उससे मुझे श्राप मिल गया, पर मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तेरे ही पेट से बालक होगा और वो अपयश तुझे प्रदान करेगा और वो महाबलवान बालक होगा जिसका तू कुछ नहीं कर पाएगा। घृत समद गणेश भगवान का भगत था, ये समझ गया कि मां का वचन कभी झूठा नहीं जाएगा, मेरी मां ने जो श्राप दिया है ये जरूर फलित होगा एक दिन। उसको याद रखते भी गणेश का ध्यान करते करते जीवन को वितरण कर रहा है। भगवान गणेश की स्तुति करते करते एक दिन अचानक इसके जैसे ही नेत्र खुले तो इसने देखा कि एक छोटा बालक अति सुंदर, गले में
पीले कलर का नाग पड़ा हुआ है, यज्ञोपवीत की तरह कंधे पर लिपटा हुआ है और एक छोटा सा तेजस्वी बालक सामने आकर खड़ा हो गया है। कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो बालक है जिसने जनेऊ के रूप में नाग को फंसा रखा है गले में कंधे पर, ये भगवान गणेश ही हैं। इनकी भक्ति से भगवान इस तरह प्रसन्न होकर आए। और भगवान गणेश ने दर्शन दिया और दर्शन देकर अदृश्य हो गए। घृत समद उस बालक को ढूंढने लगा कि यह तेजस्वी कौन था जिसके गले में सांप का हार पड़ा था, जनेऊ पड़ा था, ये बालक कौन था, कहां गया, किधर गया। तो चहु तरफ चारों दिशाओं में उस बालक को ढूंढने लग गया। संध्या काल हो गया, सूर्य अस्त हो गया, दिखना बंद हो गया। रात्रि भर ढूंढता रहा, गणेश का स्मरण करता रहा और जब थक के गिर गया, पड़ गया, तो अचानक जब नेत्र खुले दोबारा तो फिर एक बालक इसके सामने फिर प्रकट हुआ और उस बालक को देख करके इसने पूछा कि तू कौन है। तो कहा मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अपनी मां का दिया हुआ जो श्राप था वो याद आया और इस बालक ने स्वयं अपने पिता घृत समद से कहा कि मैं अभी छोटा हूं, तुम मुझे थोड़े दिन पालो पोसो, उसके बाद में मैं वो वीर योद्धा बलवान सारे ब्रह्मांड को जीतने वाला व्यक्ति हूं, मैं वो बनूंगा, मुझे थोड़े दिन तुम्हारी जरूरत है। अब आप कल्पना करो, अगर बालक पैदा होकर के 3-4 साल का हो और वो पिताजी से माताजी से ये कहे कि मुझे तुम थोड़े दिन पालो पोसो, उसके बाद में तुम्हें सारी दुनिया को जीत लाऊंगा, सब लोक मेरे अधीन होंगे, सारे लोक ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अधीन होंगे, मैं वैसा बालक हूं। अरे महाराज, अगर ऐसा कोई बालक अहंकार भरे शब्दों में ये कहे कि थोड़े दिन मेरा पालन करो, फिर तो मैं देख लूंगा सब, तो समझ जाइए कि ये तुम्हारे कुल के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। ये बालक जो है तुम्हारे लिए अच्छा बालक नहीं है, ये शुभ नहीं है तुम्हारी जिंदगी के लिए, इस बालक का आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर घृत समद ने अपनी मां के वचन को याद रखा, बालक आया, मां के वचन को याद रखा, बालक ने जो कहा उसे सुन के भी मां के वचन को याद रखा कि मेरी मां ने मुझे ये श्राप दिया हुआ है कि ऐसा बालक होगा जो इतना बलवान होगा जो तेरा अपयश कर देगा। और बंधुओं, औलाद घर में पैदा होकर के कुल खानदान को अपयश में ले जाती है तो ये किसी न किसी पितृ का ही श्राप होता है, किसी अपने ही पूर्वज का श्राप होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप सबसे कि हमारे घर में पैदा होने वाला हर एक बालक घर को कीर्ति दिलवाए, यश दिलवाए, घर को सम्मान दिलवाए, ऐसा बालक हो उसके लिए हम सभी माता पिता को चाहिए कि हम अपने आप को या अपने पूर्वजों को कभी इस तरह का त्रास ना दें, तकलीफ ना दें कि उनके हृदय से हमारे लिए कोई वचन खराब निकल जाए, आशीर्वाद की जगह श्राप निकल जाए, ऐसी कभी तकलीफ अपने पितरों को नहीं देनी चाहिए। अरे कितनी बड़ी तकलीफ है अगर वो पिता का नाम नहीं बता पा रही है, उसके साथ धोखा हो गया और उसमें ही उसने अपनी मां को गंदा कह दिया कि तू अच्छी नहीं है, आज तेरी वजह से मेरा अपमान हुआ। और दरअसल में मुकंदा के साथ में पति के भेष में आकर के ये दुसाहस किसी देवता का ही है
और ये कल काल में नहीं है, ये हर काल में आदमी का कामना या शरीर में उत्पन्न हुई वासना ये हर युग में हर व्यक्ति में सीमित नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर ये हमेशा जीवित रहती है। विवेक पूर्ण उसे कोई थाम लेता है, कोई अविवेक में आकर के उसे थाम नहीं पाता है, बस इतना फर्क जरूर है। उस बालक को पिता ने आज्ञा कर दी, पुत्र जाओ भगवान गणेश की आराधना करो। भगवान गणेश की आराधना में वो बालक लग गया, जो बालक श्राप अनुसार उत्पन्न हुआ। गणेश भगवान की आराधना कितने लंबे समय की, तो गणेश पुराण में लिखा है 15,000 वर्ष की। अब बताइए कितना लंबा समय हो गया ये, और हम लोग जो है एक ही एकादशी व्रत कर ले, शाम को ही भगवान को चाहते हैं कि आजा विट्ठल तू कहां छुपाए है, हम लोग खा रहे हैं तू भी आमटी भामटी खा जा थोड़ी बहुत हमारे साथ में है। बोलो, एक दिन का व्रत करने के बाद आदमी इतनी बड़ी आशा करता है कि भगवान प्रकट हो और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करे, और ये गणेश पुराण कह रही है कि 15,000 वर्ष तक उसने भक्ति की गणेश की। अब जन्म लिए होंगे या तो बार बार या एक ही जन्म लिया होगा, ईश्वर जाने कौन सी लीला है, पर गणेश पुराण में ये लिखा है। जब आप गणेश पुराण पढ़ेंगे तो 5वें अध्याय में ही ये कथा है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अध्याय इसी कथा से भरा हुआ है। पंद्रह हजार वर्षों तक भक्ति होती रही, और सुनिए जहां पर ये बालक प्रकट हुआ और जहां पर गण बापा की भक्ति इसने की, उस स्थान का नाम सतयुग में, ये कथा सतयुग की है, सतयुग में उस स्थान का नाम है पुष्प वन, त्रेता युग में उस स्थान का नाम है मणिपुर, मणिपुर। और आज कलयुग में उस स्थान का नाम है भद्रा। कहते हैं उस स्थान पर कोई जाकर के भगवान गणेश का दर्शन भर कर ले तो कल्याण हो जाता है उसका, उसके सारे पापों का समन हो जाता है और उसके जीवन में एक नई चाल, नई ढाल, एक नई रोशनी आ जाती है। अभी ये जो मणिपुर अभी विवादों में था, लड़ाई झगड़े के आग जन्नी मरामरी, वह भगवान श्री गणेश की भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है मणिपुर। पंद्रह हजार वर्षों के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने गृत्स के पुत्र को वरदान देने के लिए प्रार्थना कर ली। गणेश भगवान वरदान देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वत्स, हे भक्त, वरदान स्वीकार कर लो, वरदान स्वीकार कर लो। तो वरदान के रूप में भगवान गणेश ने सोना, सोने का लोक दिया, एक चांदी का लोक और एक लोहे का लोक, तीन लोक दिए। एक लोक ऐसा दे दिया कि जहां सोना पैदा होता था, एक लोक चांदी का और एक लोक लोहे का। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं, भृगु ऋषि राजा सोमकांत को बता रहे हैं, राजा सोमकांत, सोने चांदी और लोहे के लोक मिलने के कारण उस भगवान गणेश के भक्त का नाम त्रिपुरासुर पड़ा। त्रिपुरासुर, त्रिपुरा
तीन पुरियों का मालिक बना और तीन पुरियों का मालिक होने के कारण उसका नाम त्रिपुरासुर पड़ गया। अब जब त्रिपुरासुर नाम पड़ गया और भगवान गणेश का वरदान उसे मिलने के लिए भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई वरदान मांग ले, तो भगवान ने बिन मांगे ये तीन चीज दे दी उसको। और ये मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, ये कथा सुना इसीलिए रहा हूं कि तुमको भी भगवान से रुपया पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आप लिख लो, अगर आपकी भक्ति लंबे समय चल रही है तो ये तो सोना चांदी लोहे खजाने ये सब तो आपको प्राप्त अपने आप हो जाएंगे। इनके अलावा तो भगवान तुम्हें पूछेंगे कि और क्या चाहिए, पूछो। तो भगवान ने पूछा तो इसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि हजारों वर्षों तक मैं मरूं ना, ऐसा वरदान दे दो कि मैं ब्रह्मा के ऊपर, विष्णु के ऊपर, इंद्र के ऊपर तीनों लोक 14 भवन में विजय प्राप्त कर लूं और जगत के समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। बोलो, तुमको कुछ मांगना आता है? देख लो, अभी तक त्रिपुरासुर नाम है, त्रिपुरासुर अभी तक भक्त है, अभी राक्षस नहीं बनाए। अब ये कथा ये सिखा रही है कि कोई व्यक्ति कब राक्षस बन जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। राक्षस कोई पैदा नहीं होता है, राक्षस बनता है। आदमी का सामर्थ्य जब बढ़ जाता है तब उसमें दुर्गुण भी आ सकते हैं, अपराधी प्रवृत्ति हो सकती है उसकी। कई आईपीएस, कई आईएएस नौकरी के कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं समाज के लिए, और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनमें एक भी मानवीय गुण नहीं होता है, पर पदवी वो मिल गई उनको, काम वो मिल गया, नौकरी वो मिल गई, समाज में वो अपने हौदे का इतना आतंक फैलाते हैं कि वो स्वयं राक्षस बन जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पूंजीपति हैं, ऐसे ही बहुत सारे नेता नगरी हैं। जैसे ही आपको कमान मिलती है, आपको कमांड मिलती है, ताकत मिलती है, बर मिलता है, भाग्य खुलता है, उस स्थिति में करना चाहिए था कुछ और हो रहा है कुछ। लोग जब पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को, उस समय माता पिता का सपना सचमुच में क्या होता है? ये होता है कि ये राक्षस बन जाए। पर कोई कोई बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, इंटरमीडिएट में जाता है, 12वीं कक्षा पढ़ता है, वहीं राक्षस बन जाता है। कोई कॉलेज में जाता है, वहां राक्षस बन जाता है। और कोई कोई शिक्षा को धारण करते करते मानवता से देवत्व की ओर बढ़ता जाता है, कोई कोई देवत्व को प्राप्त होता जाता है, कोई इंसान देवता बनता जाता है, कोई राक्षस बनता जाता है। और माता पिता कल्पना भी नहीं करते कि राक्षस बनेगा। आपके ही परिचय में कई लोग, आपके परिचय में कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे माता पिता को मारने में भी कम पड़ते नहीं हैं। आप सब लोग बताना मत, पर अपने अंदर अंदर सोच लो कि गुरुजी सही कह रहे हैं महाराज, हमारे उसको ही देख लो, है हमारे चुल्लत को देख लो, चुल्लत को है क्या क्या कर रहा है, आंटी के साथ में, अंकल के साथ में, यानी कि मारने को भी कम नहीं है वो। ये सोचा थोड़ी था कि वो ऐसा करेगा। बोलो, दारू पीता है, जुआ खेलता है, गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, अब ऐसा कौन सोचेगा माँ बाप कि ऐसा ऐसा करेगा? ये लोग तो ऐसा सोचेंगे, अकेला बेटा है, इसके सारे अपनी नैया पार हो जाएगी, ये अपने को तार ले जाएगा और
तीर्थ कराएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह ले जाएगा, हाथ पकड़ेगा कहीं हम पहाड़ से गिर ना जाएं, संभालेगा, चला नहीं जाएगा तो कंधा देगा। ये सब सपने रहते हैं, पर सारे सपनों पे पानी फिर जाता है। कब? जब आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है, स्वयं की इच्छा से जीवन जीता है तब। मैंने प्रातःकाल यहां सुबह बैठा था, सुबह एक बच्चे ने दीक्षा ली, होगा 18-19 साल का। सुबह चर्चा होगी उस बच्चे से, तो मैंने कहा, मैंने ये कहा कि जब गालों पे और यहां थोड़े बाल आने लगते हैं तब आदमी राक्षस हो जाता है। जैसे ही बाल उगने लगते हैं उसके दिमाग में शैतान आ जाता है, राक्षस आ जाता है। अगर बाल उगते समय पर किसी भी बच्चे को अच्छा गाइड, अच्छा गुरु, अच्छा टाइम, अच्छा माहौल मिले तो ही वो बच पाएगा, अन्यथा वो राक्षस बनने से बचने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, आप सच बताओ, आपके खाने में थाली में बाल आ जाए दो तीन, तो आप तो बाल देख के राक्षस बन जाते हैं, और नाक पे बाल आ जाए तो कहना क्या। थाली में दो तीन बाल आ जाए एक साथ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम देवता बने बैठे रहोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बिना गाली गलौज के पत्नी को छोड़ने वाले माफी नहीं मिलेगी। एक बाल की माफी मिल भी जाती पर तीन आए ना एक साथ थाली में, तो फिर माफी कैसी, तो आप ही राक्षस हो जा रहे। तो कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक उम्र ऐसी होती है जहां पर मति जो है भंग हो जाती है। शरीर में अद्भुत तरंगों का जन्म होता है, और उन तरंगों में हमारे मस्तिष्क में वासना का जन्म होता है, और उस वासना को रोकने के लिए महात्मा संत ग्रंथों में लिख के गए हैं कि अगर बालक 5-7-8 साल में ग्रह त्याग करके किसी संत किसी गुरु की शरणागति हो जाए और लौट के घर वालों का मुख ना देखे तो उसके दाढ़ी बाल जटा सब आ जाए फिर भी वो राक्षस नहीं बनेगा, उसको माहौल मिल जाएगा, उपदेश मिलेगा, सहोवत बदल जाएगी, संगत बदल जाएगी। और इसका जीता जाता उदाहरण, इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पूर्व संस्कृति में पढ़ने वाले बच्चे और गुरुकुल, ऋषि परंपरा, शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा। अब ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब माता पिता उस तरह का जीवन नहीं जीते, माता पिता उस तरह का जीवन नहीं सोचते। अब माता पिता अपनी चमड़ी दमड़ी सब बेच देंगे पर बच्चे को पढ़ाने के लिए पागल हुए रखें। बच्चा पढ़े पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़े, और अच्छा स्कूल आपके शहर में, जलगांव में, धुलिया में, नासिक में, कहीं भी अच्छा स्कूल क्या है, महंगी फीस हो वही अच्छा स्कूल, जहां पैसे ज्यादा लगते हो वो अच्छा स्कूल है। आपके दिमाग में ये कीड़ा घुसा है कि जहां फीस ज्यादा वहां पढ़ाई अच्छी मिलेगी। चलो आपको ऐसा लगता है ऐसा समझो, पर भैया मैं कभी ऐसा मानने वाला नहीं हूं, जहां फीस ज्यादा वहां पढ़ाई ज्यादा होगी ऐसा कदापि नहीं होता है। मैं इतना जानता हूं कि सरकारी स्कूल में बिल्कुल फीस नहीं है, पर ज्यादा पढ़ा लिखा अच्छा डिग्री वाला टीचर सरकारी स्कूल में ही मिलता है, प्राइवेट में नहीं। मेरे भी तो स्कूल है, ऐसे ही मैं सारे स्कूलों को देखता हूं एक नजर में, मैं जानता हूं सबके बारे में। पर सरकारी स्कूल में एक बाउंड्री है, एक लाइन है, एक गाइडलाइन है। उस लाइन का मतलब है इतना पढ़ना अनिवार्य है, इतनी शिक्षा जरूरी है तो ही सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग देकर आता है सरकारी स्कूल का टीचर, प्राइवेट स्कूल का टीचर कोई ट्रेनिंग नहीं देकर आता।
बड़ा फर्क है, पर सरकारी विद्यालय की वैल्यू खत्म हो गई है, उसके प्रति भाव और श्रद्धा ही नहीं बचा है। हमारा जो स्कूल है सरकारी, वहां पे झूठे झूठे नाम लिखे बच्चों के और सब सुबह बस में बैठ के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। टीचर घर घर हाथ जोड़ते फिर रहे, महाराज नाम मत कटवा लेना नहीं तो नौकरी चली जाएगी, खाली नाम रहने दो स्कूल में, पढ़ाई कहीं भी करवाओ, हमें तनख्वाह मिलने दो, बच्चे पलने दो। ये हाल है सरकारी स्कूलों का। और सारी दुनिया, सारे बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो सब उन्हीं सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे ज्यादातर माने जा रहे हैं महाराज। चलिए, यहां पर हम अपनी बातें टीका टिप्पणी के रूप में नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय खुलने चाहिए जहां शिक्षा के रूप में आदमी को मानवीयकरण होना चाहिए, मानवता का निर्माण होना चाहिए, जीवन का निर्माण होना चाहिए, अपनी संस्कृति का निर्माण होना चाहिए। अब आप भले ही कम लोग हैं पंडाल में, पर यह देश बड़ा है, पर यह आवाज तो संस्कार सत्संग टीवी के माध्यम से देश भर में जा रही है, देश के बाहर भी जो सनातनी लोग रहते हैं वहां तक भी आवाज जा रही है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि स्कूल विद्यालय जो भी समाज में अब हों, उनमें परिवर्तन लाना है, और उस परिवर्तन को लाने के लिए सब खड़े होंगे तो परिवर्तन आएगा। तो अब मानव निर्माण की जरूरत है महाराज, अब शिक्षा केवल खोखली रह गई है, मानवता का निर्माण खत्म हो गया। और मानवता का निर्माण अगर नहीं है तो माता पिता को रोटी नहीं मिलेगी, उनको अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, उनके नाम से कोई भी दान करण हुआ नहीं, और तुम कहीं औलाद कहीं होगी, तुम कहीं जी रहे होंगे, औलाद कहीं जी रही होगी। कल्पना करो ऐसी पढ़ाई किस काम की जहां पेट का निकाला हुआ हीरा भी कहीं दूर और तुम कहीं दूर, और केवल तुमने किस बात की खुशी है, तुम्हें बात की खुशी है केवल एक कि वो पैसे कमा रहा है। अरे कोई छाती पर ले गया है पैसे को, अगर पैसे को महत्व दिया होता तो बहुत सारा पैसा होता हमारे पास भी। पर कौन ले गया है उसे, ये लोहे के खंबे खड़े कर दो, पतरा टीन डलवा दो, कहीं आरसीसी डलवा दो, कहीं मंदिर बनवा दो, कहीं अनाथालय, कहीं विद्यालय, कहीं वृद्धाश्रम, कहीं कुछ, कहीं भंडारा, बस उसके लिए पैसा है, उसी में लगाओ, उससे पैसा भी सही जगह रहेगा और तुम्हारा भी मानवीयता में कोई दोष नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा तुम्हारी मानवता में। पैसा कमाना मनुष्य का कर्तव्य धर्म है, करो, पर सब कुछ उसके लिए बिखर जाए तो फिर वो कहां करना, किस लिए करना, क्यों करना है? अरे बाबा, शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब घर में घोंसले में बाल गोपाल दिखने होना, तब तो आप कहो कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा, ये मेरा है। आप घर में घुसते हैं शाम के समय, अकेले पड़े कोई है ही नहीं, उस समय पैसे को लेके थोड़ी तकिया लगाना है, उस समय तो बतराने वाला चाहिए, हंसने वाला चाहिए, है मम्मी मम्मी कहने वाला चाहिए, पप्पा पप्पा कहने वाला चाहिए, ए बेटा ये लाला जरा आना, जरा देना, जरा कहना, चाहे घर में लड़ाई फड़ाई कुछ भी होती रहे, पर अगर अपना अपना मेरा मेरा है तो वो सब दिखना भी चाहिए, क्योंकि परिवार एक देवालय है, एक मंदिर है, और उस मंदिर में सभी मूर्तियां होती हैं तो मंदिर की शोभा होती है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे कोई भी विशेष देवता हो, पर उसके चारों तरफ और देवता भी विराजमान रहते हैं, छोटे बड़े,
उससे मंदिर की शोभा बढ़ती है, मूर्तियों की शोभा बढ़ती है, इष्ट की शोभा बढ़ती है। अभी हमने इतना बड़ा एकड़ों में आश्रम बनाया है, इस आश्रम में अगर कोई है ही नहीं, कोई रहे ही नहीं, तो इस आश्रम का क्या अर्थ निकलता है? इस आश्रम में सांप पैदा हो जाएंगे, बिच्छू पैदा हो जाएंगे, चूहे पैदा हो जाएंगे, दुनिया भर के जाल माकड़े पैदा हो जाएंगे। कभी कोई इंसान आना चाहेगा तो वो डर के मारे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोएगा, रात में छाती पे कालो कोबरा घूमेगा। दूसरे दिन भाग कर वो कहेगा कि भैया कान पकड़े, अब इस आश्रम में कभी ना आनो, यहाँ तो सांप है भैया, यहाँ तो बिच्छू है, ये मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए परिवार का, आश्रम का, सब स्थान का, और मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे धरती लोक का केवल मानव समाज है तो ही शोभा है। मानव नहीं रहेगा तो धरती पे कोई शोभा रहने वाली नहीं है। सारी शोभा तुमसे, मनुष्य से है। पैसे की अहमियत जीवन में चाहिए, पर पैसे की अहमियत बाद में, पहले अपनेपन की अहमियत चाहिए, अपनापन पहले चाहिए। अपनेपन में भूखे भी रहा जा सकता है, प्यासा भी रहा जा सकता है, अपनेपन में बीमार हो जाए तो भी रहा जा सकता है, है? अच्छा, बीमार आदमी को आप अकेला घर में बंद करके चले जाओ, देखो फिर क्या होता है उसका। और घर में कोई बीमार है और चार लोग अच्छे हैं घर में पर मौजूद हैं, तो वो बीमार आदमी भी जल्दी से मरता नहीं, वो जी लेता है। आज इनसे बतराता, कल उनसे बतराता, कल उनसे दुख बताता, कल उनसे दर्द बताता, धीरे धीरे उम्र उसकी बढ़ती जाती है। बीमार व्यक्ति अकेला पड़ जाए तो महाराज उसको जिंदगी नहीं बढ़ेगी उसकी। साथी संगियों से बीमार को यानी दुखिया को भी सहारा प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने हाथ में उंगलियां बनाई है पांच, पैर में भी उंगली बनाई है। अच्छा बताओ, ऊंट के उंगली क्यों नहीं है? ऊंट को शरीर दिया नहीं भगवान ने? हाथी को शरीर दिया नहीं भगवान ने? दिया है। हाथी जैसा शरीर मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है। हाथी इतना वजनदार होके भी उसको भगवान ने ऐसे पैर दिए हैं जो सपटने वाले, रपटने वाले, चिकने पैर दिए हैं। आपको फिर उंगली से क्या मतलब है? आपको भी हाथी जैसे गोल पैर दे सकते थे भगवान, आपके भी वो कंपनी के पैर लगा देते और आप तो हल्के फुल्के ही चल लेते, वो इतना भारी चल रहा है। पर ऊंट को देखो, हाथी को देखो, उसके पैर कैसे हैं? आपके हाथ में उंगली लगाकर, पैर में उंगली लगाकर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अरे लाला तेरा सवाल सही है कि मैंने हाथी को ऐसे पैर लगाए हैं, इसीलिए लगाए हैं क्योंकि हाथी सामाजिक जीव नहीं है, तू मनुष्य सामाजिक जीव है। और सामाजिक जीव जो होता है वो पांच प्राणियों के साथ रहता है, इसीलिए मैंने तुझे पांच उंगली इस हाथ में, पांच उंगली उस हाथ में, पांच से कम नहीं दिए। किसी किसी को तो भगवान ज्यादा खुश हो जाए ना तो छह दे देते। अच्छा बोलो, आप समझ लो, अगर ये हाथ में उंगलियां ना होती तो कांग्रेस कभी लेती इस निशान को चुनाव में? इसलिए मनुष्य के हाथ और पैर की उंगलियां बताती हैं कि मनुष्य का जीवन तब ही अच्छा है जब वो सात पांच के बीच में हो। वैसे तो हम सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, हम भी अपने प्रवचन में सबको संदेश देते हैं, खड़ा करते हैं, चेतन करते हैं, समझाते हैं कि जगत में कोई किसी का आए अकेले और जाएंगे अकेले। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अकेले ही रहें, आए अकेले जाएं अकेले, पर जीवन हमेशा सबके साथ जीना, सबके साथ जीना चाहिए। भगवान ने तो वेद में भी ये बात लिखी है, संगक्षध्वम संबदध्वम सम्भो मनांसि जानताम। शाम के समय जब आदमी थालियां निकाल लेते हैं, चम्मच निकाल लेते हैं,
एक भगोनी रख लेते हैं और इधर में डलिया रख लेते हैं, डलिया में रोटी, भगोनी में सब्जी, मम्मी परोस रही होती है, इधर बेटा छोटा, इधर बेटी बड़ी, इधर पति और इधर नातड़ू, इधर बहू, सब लोग मिल के खा रहे होते हैं, तो फिर मरने में भी टेंशन नहीं है। कम से कम एक दिन तो सबके साथ जी लिए। पर ये सब कैसे होने चाहिए, तो कथा कह रही है जैसा महात्मा इंद्रदेव बता रहे हैं कि परिवार होना, सब होना, साथ में होना। पर ये सब कैसे होने चाहिए, कल्याण करने वाले होने चाहिए, ये अपयस देने वाले नहीं चाहिए। मुझे इतना सारा बताना पड़ा आपको, माँ ने पुत्र को श्राप दे दिया कि तेरे ऐसा पुत्र होगा जो तेरे को अपयस देके जाएगा और वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो भयंकर बलवान होगा। और आज उस पुत्र का माता के श्राप के कारण त्रिपुरासुर का अवतार हुआ। भगवान गणेश की परम भक्ति को प्राप्त करके सोने चांदी लोहे के लोकों को उसने पा लिया और समस्त लोकों में कोई मार ना सके ये भी पा लिया। पर भगवान गणेश ने कहा कि तुझे सिर्फ तेरे तीन लोकों के सहित भगवान शिव जी जब बाण चला देंगे तो एक ही बाण में तेरे संपूर्ण लोकों का नाश हो जाएगा। भगवान बड़े होशियार है महाराज, वो जानते हैं अगर मैंने इसको अमरोती दे दी कभी न मरने का तो फिर मेरा ही सिद्धांत झूठा पड़ जाएगा। आज भगवान ने उसे सब वरदान दे दिए पर एक वरदान कम कर दिया सब में से, और वो वरदान शिव के बाण से तेरा लोक नष्ट हो जाएगा, एक भी लोक नहीं रहेगा। पर ये भगवान ने फिर भी कहा कि तू शिव जी से भी नहीं मरेगा, तेरे लोक का नाश हो जाएगा शिव जी के बाण से। तो भगवान गणेश ये बताना चाहते हैं कि मेरी भक्ति या किसी देवता की भक्ति से अगर हमें भक्ति करने से पूरे धरती लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, ये सब कुछ भी हमें मिल जाएं और हम इनके मालिक हो जाएं, उसके बाद भी भगवान में ही शक्ति है कि वो एक नजर मारेंगे, वाण मारेंगे, सब तेरा खत्म कर देंगे। तो भैया भगवान से डरो सब लोग, आपको या मुझको जो भी गाड़ी घोड़े बंगले मिले हैं इन सब को भगवान एक नजर से खत्म भी कर सकते हैं, एक नजर से। बाण, बाण का मतलब होता है एक ही वाणी में एक शब्द बोल दिया, ठाकुर जी ने तनक सोच लिया तो आपका सारा वैभव खत्म हो सकता है। उदाहरण, उदाहरण कहाँ है, उदाहरण है सतयुग में, उदाहरण सतयुग में है सत्यवान सत्य पति राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण है। दुनिया के सबसे धनवान राजा हैं हरिश्चंद्र, उस काल में चक्रवर्ती हरिश्चंद्र राजा, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा धनवान इतने हैं, दानी इतने हैं कि उनके घर स्वयं भगवान साधु का भेष बनाकर दान के लिए पहुंच गए, और देखो उनको पसंद नहीं आया, नजर मार दी, और आज हरिश्चंद्र का हाल ऐसा कर दिया एक ही दिन में कि हरिश्चंद्र जी को शमशान में जाकर नौकरी करनी पड़ी। तो जीवन में कब हमारा समय बदल देंगे परमात्मा, उसके लिए दुश्मन आपका जो बिगाड़ेगा उसे छोड़ दो, पर परमात्मा आपका अगर नहीं बिगाड़ेगा तो जगत में किसी में शक्ति नहीं है कि आपका कुछ भी बिगाड़ दे। पर भगवान की नजर अगर टेढ़ी हो गई तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, फिर बाथरूम में चार फ्रैक्चर होते रपट के है। मेरे यहां तो अभी भक्त लोग आते हैं तो मुझे तो सब अनुभव होते रहते हैं, मैं तो पूछता रहता हूं भाई ये तोता कैसे पाल लिया, यहां ये तोता पाला कैसे, पूछना पड़ेगा ना, फ्रैक्चर प्लास्टर। अच्छा मुसीबत बहुत है महात्मा की,
प्लास्टर लेके चेला आया और नहीं पूछा तो भी महात्मा से गुस्सा कि गुरुजी को तो हमारा कोई दिखता ही नहीं दुख, तो मुझे तो पूछना पड़ता है, और पूछना पड़ता है तो मालूम पड़ जाता है कि हुआ कैसे, तो भाई कैसे तोता हुआ ये, तो कुछ नहीं गुरुदेव, तो क्या हुआ कैसे प्लास्टर बना, तो कहा यहां पे थोड़ा बाल भर क्रैक हो गया, यहां थोड़ा क्रैक हो गया, यहां तीन जगह से क्रैक है। हमने कहा ठीक है पर हुआ कैसे, तो कहा कुछ नहीं बेड पे से नीचे उतर रहा था बैलेंस बिगड़ गया और गद्दी पर गिरा, बेड पर गद्दे पर। अब बोलो गद्दे पर गिर के भी तीन फ्रैक्चर है हाथ में, और यही आदमी है एक बार ऊपर से गिर पड़ा था आम के पेड़ पे से, इसका कुछ भी ना बिगड़ा था, जब आम के पेड़ पे से गिरा था तब भगवान इसके साथ था, आज बेड पर गिरा भगवान इसके साथ नहीं था, बस इतना ही फर्क है। आज परमात्मा की दृष्टि उल्टी थी और उस दिन परमात्मा की दृष्टि सीधी थी, बस इतने फर्क में इतना नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप सब लोग मेरे हैं निजी अपने वाले लोग, इसीलिए मैं ऐसी ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब समझ गए होंगे कि कभी कभी बिस्तर पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो बिस्तर पे फ्रैक्चर ना हो उसके लिए भगवान को हर समय सीधी दृष्टि वाला ही हम बना के रखें, और वो तब बने रहेंगे जब हमारे करतूत कर्तव्य अच्छे रहेंगे, तो भगवान की दृष्टि सीधी रहेगी। अगर आपकी दृष्टि खराब है, आपका ही सोच खराब हो गया है, तो भगवान का चिंतन मनन भी बदल जाता है। कब तक भगवान तुम्हारी मुफ्त में सेवा करें, कब तक है? आपके पास में तो टाइम है नहीं सुधरने का, अच्छा करने का है। अच्छा ये देखो, ये पुरुष लोगों को क्या लगता है कि बीवी ने कर लिया पूजा हो गई है, जैसे मैं ये पुरुषों से पूछ रहा हूं, मैं इनकी तरफ मुंह करके नहीं पूछ रहा, आंखें निकालेंगे नहीं तो, तुम्हारी तरफ पूछ लूं जिससे तुम्हें खुशी हो रही है। इन पुरुषों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूजा पाठ व्रत भूखा प्यासा सब ये पत्नी की जिम्मेदारी है, है? हमारे घर में गुरुदेव दोनों टाइम पूजा बड़े नियम से होती है। हाँ मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, करता कौन है पर है, पूजा पाठ घर में नियम से हो रहा है, पर वो नियम से पूजा पाठ कर कौन रहा है। अब यहां पर आप इस तरह समझो कि अगर पत्नी नियम धर्म से प्रणाम कर रही है पूजा पाठ कर रही है तो पत्नी को उसका फल प्राप्त होगा, पत्नी उसका यश प्राप्त करेगी। पत्नी अगर चाहे अंदर आत्मा से कि पति का भी हो जाए थोड़ा हिस्सा तो हो सकता है, पर पत्नी अगर ऐसा नहीं चाहती है तो फिर पत्नी अकेली को ही फल मिलेगा भगवती भक्ति का, और पति लोग खामखा उस बात को कहते हैं कि हमारे घर बड़े नियम से दोनों टाइम पूजा होती है, और महाराज हमारी जो पत्नी है वो बड़ी नियम धर्म वाली है और कभी नियम नहीं तोड़ती, भूखी रह लेगी चार दिन पर बढ़िया व्रत करती है। तो हमने कहा पत्नी भी कभी तुम्हारी प्रशंसा करे ऐसा तुम भी कुछ करो, है भाई तुम पत्नी की स्तुति कर रहे हो तो ऐसी पत्नी भी स्तुति करे तुम्हारी, ऐसा तुम भी कुछ करो, तुम कुछ नियम धर्म तुम भी करो, आ तुम्हारे भी नियम धर्म बढ़िया है, तुम अपने नियम धर्म पे पक्के हो वो अपने नियम धर्म पर पक्के हैं। इसीलिए आपके घर में निरंतर उन्नति अचानक रुक जाए, आप ध्यान कर लेना, आप कुछ थे नहीं मजदूरी थी, और मजदूर के बाद आप थोड़े बड़े इंसान हो गए, आपके पास और बड़ा धन आ गया, आपका काम बड़ा हो गया, आज आपकी औकात ऐसी है कि आप चार बंगले छह बंगले खुद बना के खड़े कर दो, आज ऐसी औकात है कि आपने एक फैक्ट्री खोल दी, पर उसके बाद आप फिर लॉस में चले गए तो आपको फिर अपनी कमी को भी ढूंढना चाहिए। अरे हम थे कुछ नहीं और बहुत कुछ हो गए, और फिर बहुत कुछ हो के फिर डाउन कैसे हो रहे हैं, तो आप अपनी कमी ढूंढो, और कमी ढूंढ कर ये ढूंढो कि जब हम अच्छे थे तब अच्छा हो रहा था, अब बुरे हैं तो बुरा हो रहा,
मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अध्ययन और कहीं नहीं होगा। अपनी हानि अपने लाभ को पहचानो और उसी पर अपने जीवन का निरीक्षण करो। चलते चलते गाड़ी अगर रुक जाती है हाईवे पर, हाँ जी शंकर बाबू, अगर गाड़ी चलते चलते कार रुक जाए हाईवे पर तो ड्राइवर निकल के गाड़ी के चारों ओर घूमता है कि नहीं? घूमता है, देख लो। गाड़ी अगर चलते चलते रुक गई तो ड्राइवर जो है आलस से छोड़कर गाड़ी के बाहर आता है, बोनट खोलता है, सब चीजों को चेक करता है, तो भी नहीं हाथ लगता कहां कमी है तो गाड़ी के चारों ओर घूमता है, फिर सोचता है, फिर किसी को फोन लगाता है, फिर उसको अपनी स्थिति बताता है, फिर वहां से कोई ज्ञानी लोग बताते हैं कि ऐसा करो, वहां पे हाथ डालो, वहां पे ये कर दो वो कर दो सही हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे गाड़ी खराब होने पर आप खुद चिंता में पड़ते हैं, खुद गाड़ी को निरीक्षण करते हैं, गाड़ी खुद से नहीं ठीक हुई तो किसी ज्ञानी को बुलाते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में जब जीवन में रुकावट आए तो खुद निरीक्षण करो, और हमसे कमी न मिले तो किसी महात्मा संत के पास में जाओ, उनसे अपनी बीमारी बताओ, अपनी बुराई बताओ। पर आप महात्मा के पास में आते हैं तो अपनी वाह वाह बताते हैं, पर वो नहीं बताते जिससे तुम्हारी वाह वाह रुक रही है। दोनों हाथों से दान करना सीखो सब सब लोग। सबसे बढ़िया उपाय जिंदगी को सफल करने का, कम करो पर दोनों हाथों से दान करने की प्रथा बनाओ जीवन में। दान की क्या प्रथा, दान की क्या महिमा है, इससे मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ रहा इस बात को। करने से क्या मिलता है, आप सब लोग हैरान है कि नहीं, अचंभा करते हैं कि नहीं करते, कैसे इतना जल्दी कैसे हो गया, ऐसे कैसे बना लिया, गुरुजी ने कैसे मेहनत कर ली अपने पैर हाथ पर, है तुम्हारा ही पैसा, पर तुम्हारे पैसे से तुम स्वयं क्यों नहीं उन्नति कर पा रहे फिर? क्योंकि नियत देने वाली जो नियत है वो तुम्हारे पास में कम हो रही है। दान की कोई भी सीमा नहीं है बंधुओं। दान सवा रुपए जो है वो छोटे से छोटा दान है हमारे हिंदू सनातन में, सवा रुपया। पर ये हाथ हमेशा देने के लिए उठने चाहिए, बस। अगर ये हाथों में ये भाव है देने वाला तो मैं कहता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, तुम्हारी दुनिया को सूर्य चंद्रमा की तरह बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कामों में कभी गति नहीं कम होगी, तुम्हारी किसी चीज में गति कम नहीं होगी। परमात्मा की दृष्टि को अपनी ओर करो, अपनी ओर, क्यों? भगवान एक और भगवान को अपनी ओर दिखाने वाले अनेक। बोलो, भगवान एक है और भगवान को दिखाने वाले अनेक है। भगवान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने सोने का मुकुट चढ़ाया है, मैंने ये चढ़ाया है, मैंने पायरियां बनवाई है, मैंने चौकट लगवाई है मंदिर में, मैंने चंदन की किवाड़ बनवाई है, भगवान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। और ये भगवान का भी कॉम्पिटिशन है, जो आदमी ज्यादा देगा उसकी तरफ तो देखना पड़ेगा। तो अब कल्पना करो कैसे क्या करना जिंदगी में। देने वाले की ओर तो भगवान को देखना पड़ता है। तो इन हाथों को हमेशा पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए जिंदा करो बंधुओं। इन हाथों में कभी भी पुरुषार्थ के लिए कमी नहीं आनी चाहिए। त्रिविधम लोकस्य मूलं भवतन्न युक्तौ सदाभ्य। भृगु ऋषि कहने लगे हैं महात्मा को, हे राजा सोमकांत, आज त्रिपुरासुर भगवान गणेश से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर शासन कर लिया, धरती पर शासन कर लिया, देवताओं को भगा डाला, ब्रह्मा जी को भी भगा दिया और विष्णु से भी युद्ध करने पहुंच गया, विष्णु को भी भगा दिया।
शिव जी के एक बाण से तेरा सारा का सारा वैभव खत्म हो जाएगा, ये पता है त्रिपुरासुर को। पर शिव जी के पास कैलाश में पहुंच गया। शिव जी के पास कैलाश में जाकर उसने एक बात की, युद्ध नहीं किया। शिव जी के कैलाश में जाकर हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास बन के आया हूं, मैं आपसे दास बनकर ये प्रार्थना करता हूं कि आप कैलाश छोड़ करके मद्राचल पर चले जाइए। भगवान शिव जी त्रिलोकीनाथ ये जानते हैं कि इसे गणेश का वरदान प्राप्त है, इसीलिए मुझे जाने में ही भलाई है, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो ये मुझसे मरेगा नहीं, तो फिर मैं अपनी वाह वाह को कम क्यों करूं। और दूसरा, भगवान महादेव देवों के देव हैं, तो महादेव ने दूसरा निश्चय ये किया कि जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र सारे के सारे देवता ही चले गए हैं तो फिर वहीं आनंद आएगा, हम भी चलें, वहीं रहेंगे, वहीं आनंद लेंगे, यहाँ इसका मन है तो इसको यहाँ छोड़ दो। भगवान शंकर ने कैलाश छोड़ दिया, मद्रा चल चले गए और संग में पार्वती जी को लेकर गए, हिमाचल राजा के घर छोड़ दिया। ऐसी विपत्ति कभी आ जाए तो फिर पत्नी को मायके छोड़ दो, पिता के घर छोड़ दो, प्रार्थना पूर्वक कहो कि दो तीन महीने की बात है, मेरे यहाँ ऐसा संकट है कि मुझे कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा और उस घर पे अब हमारा अधिकार नहीं है, तो कुछ दिन मायके में आप इसे संभाले। तो हिमाचल राजा ने अपनी माता अपनी पुत्री को कंदरा माने गुफा में छुपा के रखा, स्वयं हिमाचल राजा भी गुफा में छुप के बैठ गए। त्रिपुरासुर अब राक्षस बन गया। अब आप कल्पना करो, कल्पना करने वाली बात यह है कि त्रिपुरासुर ने भक्ति किसकी की, गणेश की, तब तक भक्त था, और वरदान किससे पाए, गणेश से, यहां तक भी सब अच्छा है, पर जैसे ही उसके अधिकार आने के बाद में उसने जो दुस्साहस किया उससे उसका मानवीय धर्म खत्म हो गया, और मानवीय धर्म खत्म हुआ तो त्रिपुरासुर हो गया। त्रिपुर को जीतने वाला त्रिपुरासुर चारों ओर उसने अपना प्रदंड शासन कर लिया। सारे देवता परेशान, ब्रह्मा विष्णु परेशान, भगवान शिव परेशान, बड़ी मुश्किल हो गई महाराज। आज कैलाश में त्रिपुरासुर स्थान लेकर विराजमान है, तब ही सारे देवता मिलकर के भगवान गणेश के पास गए, सबने अपना दुख रोया और कहा, परमात्मा हे देव गणेश, आपने उन्हें वरदान दिए हैं और आप कैसे उन वरदानों को, आप उन्हें वरदानों को कैसे नष्ट करके उसे मारोगे, ऐसा लगता है कि हम आपके पास में व्यर्थ आए हैं और व्यर्थ ही शिकायत कर रहे हैं, आप कैसे हमारी रक्षा करोगे, आपने उसे वरदान दे दी और अपने ही वरदानों को आप खत्म नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे होगी। भगवान श्री गणेश जी ने सब देवताओं को समझाया, चिंता न करना, मेरा एक नाम है चिंतामणि गणेश, जब जब मेरे भक्तों को चिंता पड़ जाती है तब तब मैं उनकी समस्त चिंताओं को हरण कर लेता हूं, इसीलिए मेरा नाम चिंतामणि है, मैं चिंता हरण हूं। मैं लीला करता हूं, अब चिंता छोड़ दो। भगवान गणेश ने देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की रक्षा करने के लिए फिर से ब्राह्मणीय वेष बनाया और त्रिपुरासुर के सामने पहुंच गए। हे त्रिपुरासुर,
तुमने मेरा वरदान प्राप्त कर लिया और तुमने वरदान प्राप्त करके देव संग्राम करके सब देवताओं को परास्त कर दिया, तुम्हारी भोग लिप्सा पूरी हो गई। अब जिस कैलाश पर तुम निवास कर रहे हो, इस कैलाश पर मेरी एक प्रतिमा, मेरी बचपन की एक फोटो है और वो चित्र यही था, मुझे वो चित्र चाहिए तुमसे। तुम कैलाश पर शासन कर रहे हो, अब तो महाराज वो चित्र तो वहां मिला नहीं था त्रिपुरासुर को, चित्र को भगवान शिव जी अपने साथ लेके चले गए मदराचल पर। अब तो भगवान गणेश ने कहा कि अगर वो चित्र तूने मुझे लाकर नहीं दिया, मेरा चित्र तो मैं सारी शक्तियों को वापस ले लूंगा और तेरा नाश प्रारंभ हो जाएगा। अब तो त्रिपुरासुर महाराज परेशान हो गया, भगवान ने बड़ी उलझन डाल दी। त्रिपुरासुर को यह पता नहीं था कि इनका कोई चित्र वित्र यहां होगा। त्रिपुरासुर ने भगवान शिव के पास में अपने दूत भेजे और जाकर कहा, भोलेनाथ कैलाश पर भगवान गणेश का बाल चित्र था, उसे आप लेके आए हो, वो चित्र कहां है, वापस दो, त्रिपुरासुर का आदेश हुआ है। भगवान शिवजी पढ़े थे, भगवान गणेश पहले पढ़ा के गए थे कि मैं लीला करूंगा। भगवान शिवजी ने कह दिया, जाओ त्रिपुरासुर से तुम कह दो कि वो चित्र नहीं मिलेगा। त्रिपुरासुर को कैलाश चाहिए था, कैलाश दे दिया। उसके आदेश और आज्ञा को पालन करके हम मदराचल पर आ गए। अब हमारा जो इष्ट है, हमारा जो पूजनीय देवता है, वो हमारे साथ है, वो हम नहीं देंगे। आपसे भी मैं कह रहा हूं, अगर आप में थोड़ा भी समर्थ है, शक्ति है, यानी थोड़ा भी लज्जा है, हरस हया है, शर्म है, तो आपको भी ये बात माननी है इस कथा की कि कोई भी आता ताई, कोई भी विधर्मी आपको काट दे, आपके गले पर चाकू छुरी चला दे, आपको मौत दे दे, पर आप अपने इष्ट को कभी भी उसे नहीं देना चाहिए। ये शक्ति हम सब में आनी चाहिए। अपनी संस्कृति, अपना इष्ट कभी किसी दुष्ट को डर के मारे मत दो। ऐ आपको पता है 500-700 साल पहले क्या हो गया था, ये कथा तब भी थी। आधे से ज्यादा नहीं, 70% भारत जो है धर्म कन्वर्ट कर लिया था। अब विधर्मियों के डर के मारे सब विधर्मियों के डर से सभी धर्म बदल दिए सबने। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बची थी, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं बचे थे, सबके सब डामा डोल हो गए थे प्राण बचाने के लिए। और महाराज ये ग्रंथ तो यही कहते हैं कि प्राण चले जाएंगे, शरीर फिर मिलेगा, गारंटी से पुनर्जन्म होता है, पर एक बार अगर भगवान और धर्म तुम्हारा तुमसे छिन जाता है तो उसकी सजा कभी भी पूरी नहीं होती है, अजन्मा सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए किसी के बहकावे में आके धर्म मत बदलो, किसी के लालच में आकर के कभी भी धर्म परिवर्तन मत करो, संस्कृति परिवर्तन मत करो, पूजा पाठ परिवर्तन मत करो। भगवान कृष्ण गीता में कितना धर्म के बारे में बताते हैं, पराया धर्म अपना से अच्छा है, कि जमीन में गाड़ कर खुद को दबा कर मार दो। अपने आप को नष्ट कर दो। ऐ राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, कुछ क्षत्रियों को मार दिया था आक्रांताओं ने, और कुछ क्षत्रिय जो है डर के मारे उनके गुलाम बन गए थे, पर उनकी जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने अग्नि को स्वीकार किया, पर न धर्म जाने दिया न अपनी सतित्व को जाने दिया। 10,000 महिलाएं जिंदी
एक साथ अग्नि में प्रवाह हो गई क्षत्रियों की, वह भी महिलाएं थीं। और जिनको हम वीर योद्धा कहते हैं, आधे मारे गए और आधों ने धर्म बदल लिया था डर के मारे। इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों के बाद भी आज भी उन महिलाओं के अग्नि में स्वाह होने के इतिहास को गाया जाता है तो महिलाओं की छाती चौड़ी हो जाती है। सारी महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती हैं, पर वो महिलाएं 10,000 महिलाएं एक साथ अग्नि में भस्म हो गईं। यही ज्ञान है, संस्कृति है, यही सनातन है। धर्म के लिए तो यही कहा है, या तो धर्म को बचाने के लिए मिट जाओ या तो मैट दो, पर धर्म की रक्षा होनी चाहिए। आज भगवान महादेव ने चैलेंज कर दिया, जाओ, चित्र नहीं मिलेगा, इष्ट नहीं मिलेगा, हमारा पूजक देवता नहीं मिलेगा। त्रिपुरासुर ने मदराचल पर्वत पर आकर फिर देवताओं में खलबली मचा दी महाराज। सारे देवता त्राही त्राही हो गए दोबारा। अब क्या करा जाए, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कोई मार नहीं सकता, गणेश जी का वरदान झूठा हो जाएगा, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। तब भगवान सब परेशान हुए, तो भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, ये तीनों देवता कहां पहुंचे? हिमालय पहुंचे, और वहां जाकर माता पार्वती से गुफा में मिले और पार्वती से जाकर प्रार्थना की, हे देवी, अब तो केवल तुम ही कुछ रास्ता निकालो, और कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। तब तीनों देवों के और सारे देवताओं के, धरती के रक्षा के लिए माता पार्वती खड़ी हो गईं। और फिर माता पार्वती ने अपने तप बल से, आप समझ गए होंगे क्या हुआ, फिर माता पार्वती ने त्रिपुरासुर को खत्म करने के लिए अपने तप बल से फिर गणेश जी को पुत्र के रूप में प्रकट किया। यानी कि गणेश का जन्म किन किन कारणों से हुआ वो कथा चल रही है। अभी 3 दिन हो गए, अभी तो मैं जन्म ही करता रहूंगा और भी कई दिन, और जब जन्म के सब कारण पूरे होंगे तब मैं आगे कथा और सुना दूंगा आपको। अभी तो भगवान गणेश का जन्म ही बता रहा हूं। कल मैंने 2 कथाएं सुनाई, भगवान का 2 बार जन्म किया, तो वो 2 कारण अलग थे। आज मैंने ये कारण बताया, माता पार्वती घोर तपस्या करती हैं और उस तपस्या के प्रभाव से गणेश जी का आगमन होता है। गणेश जी शिव जी को भी मिले, विष्णु को भी मिले, देवताओं को मिले, पर त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान गणेश ने किसी को नहीं कहा कि मैं मार दूंगा, केवल कहा था चिंता न करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर मैं उसे मारूंगा ये नहीं कहा। क्योंकि भगवान गणेश का वो भक्त है, वो कैसे मारें। पर अब तो अति हो गई, घर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया देवताओं को, और वहां पर भी नहीं रहने दे रहा शांति से, तो देवताओं के हित में गणेश आ गए। फिर अति करो किसी को तकलीफ देने में भी, इतनी अति करो कि कम से कम वो धरती पे तो टिके, घर छूटे बार छूटे, वहां तकलीफ यहां तकलीफ, तो फिर भगवान भी तकलीफ देने वाले से रुष्ट हो जाते हैं और जिसको तकलीफ दी जा रही है उसके साथ हो जाते हैं। आज भगवान गणेश खड़े हो गए, माता पार्वती के प्रभाव से गणेश जी का अवतरण हुआ और सब देवताओं ने गणेश जी को अपनी समस्त प्रार्थना भक्ति समर्पित कर दी और श्री गणेश जी ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया, त्रिपुरासुर का नाश हो गया, सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया उसका, सारे लोक खत्म हो गए, उसके साथ में जितनी दुनिया जुड़ी थी वो सारी दुनिया त्रिपुरासुर के मरते ही सब देवताओं के गुण गाने लग गए। यही तो होता है, कई 2 प्रकार की पूजा होती है, एक पूजा होती है गुण से,
मरने के बाद में भी लोग उसी के भक्त बने रहते हैं जो गुणवान व्यक्ति है, और एक होता है बलवान, घमंडी कंस रावण, जो डंडे से कहते हैं मुझे भगवान के, मुझे भगवान के नहीं तो मारूंगा, भगवान के नहीं तो मारूंगा। तो ऐसे जो भगवान बन जाते हैं बल के प्रभाव से, उनके मरने के बाद उनके ही भक्त उनके गुलाम न रहकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो बंधुओं, आपके अंदर कोई ऐसा दोष हो कि जबरदस्ती कर रहे हो तुम पूजने के लिए कि मुझे मान मुझे मान, तो फिर मरने के बाद वो लोग तुम्हें नहीं मानेंगे। और कर्म ऐसा करना चाहिए कि जिंदे पे 100 माने तो मरने पर 1000 लोग तुम्हें मानना चाहिए, तुम अच्छे थे अच्छे थे अच्छे थे अच्छे थे। यही कथा भगवान गणेश की हमें शिक्षा देती है।